भारत में और दुनिया भर में महात्मा गांधी को सादा जीवन, सरलता और समर्पण के साथ जीवन जीने के सर्वोत्तम आदर्श के रूप में सराहा जाता है। इसलिए उनके सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। भारतीय इतिहास में वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीयों की आज़ादी के सपने को सच्चाई में बदला था। आज भी लोग उन्हें उनके महान और अतुल्य कार्यों के लिए याद करते हैं। आज भी लोगों को उनके जीवन की मिसाल दी जाती है। वे जन्म से ही सत्य और अहिंसावादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने आप को अहिंसावादी बनाया था। राजा हरिश्चंद्र के जीवन का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की और वकीलों के पेशे की शुरुआत की। अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। महात्मा गांधी का जीवन काफ़ी साधारण ही था। वे रंग भेद और जाति भेद को नहीं मानते थे। उन्होंने भारतीय समाज से अछूत की परंपरा को नष्ट करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए, और इसके चलते उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम भी दिया था। महात्मा गांधी अपने अतुल्य योगदान के लिए ज़्यादातर राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारत में ग्रामीण भागों के सामाजिक विकास के लिए आवाज़ उठाई थी। उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया, और बहुत से सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जिंदगी भर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जो प्राचीन काल से भारतीयों के दिल में रह रहे हैं। भारत का हर एक व्यक्ति और बच्चा उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। महात्मा गांधी कहते हैं, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। मैं गांधी हूँ, लेकिन सत्ता का भूखा नहीं। देश का वफादार हूँ, प्रतंत्रता मुझे मंजूर नहीं। चाहो जो कहना है कह दो, मैंने कहकर नहीं करके दिखाया है। आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने इसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए दोष दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत तो दे जाओ। भले मत कहो इसे गांधी जयंती, इसे स्वच्छ भारत का आवरण चढ़ाओ। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।